बिसमिल्मा रहीम वालेकुम तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और एक और नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हूँ तो ये मैंने अपनी किचन के लिए कुछ शॉपिंग की थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ और किचन की शॉपिंग थी तो इसलिए मैंने किचन में ही इसकी अनबॉक्सिंग की है ओपनिंग की है तो ये मैंने लंच बॉक्स लिया था हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए और बस जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स भी मैंने चेंज किए थे और स्टेनलेस स्टील के लिए थे तो ये मैंने ऑफिस वाला लंच बॉक्स भी उनका बिल्कुल चेंज कर दिया और ये भी पूरा स्टील का है तो जैसे जैसे हो सके जैसे सहूलियत हो सके आपको ना अपने किचन से प्लास्टिक को निकालने की कोशिश करें एकदम नहीं हो पाएगा नहीं हो पाता एकदम तो धीरे धीरे करें कोशिश तो हो जाएगा तो ऐसी मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि अपने किचन से प्लास्टिक की चीज़ें बिल्कुल ही निकाल दूँ तो चलिए वो कोशिश एक ना एक दिन कामयाब हो ही जाएगी और धीरे धीरे करके सारी प्लास्टिक की चीज़ें खत्म हो ही जाएंगी और तो ये मैंने अब एक और स्टेप लिया है क्योंकि नॉर्मली फ्रिज में जो आपकी बॉटल्स होती हैं ना वो प्लास्टिक की ही होती हैं चाहे आप अच्छी क्वालिटी की ले लें चाहे बहुत अच्छी क्वालिटी की ले लें लेकिन होती वो प्लास्टिक की हैं तो मैंने इस बार ना ये अपने फ्रिज की बोतल भी स्टेनलेस स्टील की ली है और दो ही ली हैं क्योंकि ये मतलब थोड़ी सी महंगी पड़ती है प्लास्टिक की बोतल के मुकाबले ना तो दो दो करके ही मैं अपनी फ्रिज में इनका सेट बना लूँगी लेकिन मैंने शुरुआत की है कि मुझे अपने फ्रिज में ना प्लास्टिक की बोतल नहीं चाहिए तो इसलिए तो अच्छा किचन में जगह इतनी कम है ना कि बाकी चीज़ें हटा के जब दूसरी चीज़ें सामने लानी पड़ रही क्योंकि स्लैब पर इतनी जगह ही नहीं है कि मैं सारी चीज़ें एक साथ रख के दिखा सकूँ तो पहले वो वाली चीज़ें हटाई तो ये नई चीज़ें तो ये नई चीज़ें जो है ना ये मेरे किचन के टॉय हैं नए तो जो मैंने अपने लिए लिए हैं और ऐसी चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ना तो ये एक स्पाइस बॉक्स है स्पाइस रैक है समझ लीजिए और ये जो फ्लावर है फ्लावर की जो ये डंडियां है ना इसमें स्पाइस रख सकते हैं आप देखिए दो तरह के इन्होंने ये दे रखे हैं स्प्रिंकल करने के लिए एक थोड़ा मोटा वाला और एक थोड़ा महीन वाला और ये सारे फ्लावर इसके ऊपर लग जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये किचन में मुझे ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं अपने तो और वैसे भी कलरफुल था कलरफुल चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं तो मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ और ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से लिया है तो लोकल मार्केट में आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं ऑनलाइन भी शायद मिल जाए बहुत अलग अलग तरह के स्पाइस रैक मिलते हैं तो अगर आप चेक करेंगे ना ऑनलाइन तो मिल ही जाएंगी क्योंकि मुझे लगता है आप सारी चीज़ें सब जगह मिल ही जाती हैं और गर्मी का आलम कुछ ऐसा है ना इस टाइम कि अगर आप पाँच मिनट के लिए किचन में खड़े हो जाए ना तो बस फिर जो हाल होता है ना पसीनों का तो मुझे अपने किचन के लिए एक फ़ैन चाहिए था लेकिन मेरे पास है टेबल फैन जो होता है ना छोटा वाला लेकिन उसकी हवा इतनी तेज़ है कि गैस पे जब वो लगती है किसी ना किसी बहाने से और जहाँ पे आपका प्लग पॉइंट होता है ना वहीं पे आपको उसको लगाना होता है तो उसके साथ बड़े मसले मसाइ हैं तो ये एक इलेक्ट्रिक फैन मुझे दिख गया था मतलब आप इसको चार्ज कर सकते हो और इतना लाइट वेट है मूवेबल है आप इसे छोटा बड़ा जिस हिसाब से आपको करना है ना कर सकते हो और इसके साथ मतलब आप किसी भी फोन के चार्जर में इसको लगा के चार्ज कर सकते हो इसमें थ्री मोड है मतलब तो थोड़ी कम हवा फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा और अच्छी खासी हवा इसकी है ना मैं उसको सामने लगा के वो अपने सारे काम इतनी आसानी से कर लेती हूँ ना और किचन में रखा हुआ भी इतना प्यारा ये इतना लाइट वेट और इतना यूजफुल है ना कि आप इसको किचन में कहीं भी लगा के आराम से काम कर सकते हैं और मैं मतलब इसको पहले से चार्ज करके रखती हूँ जब मुझे काम करना शुरू करना होता है ना तो जब हमें किचन में काम करना ही है तो क्यों ना उसको थोड़ा सा आसान बना ले थोड़ा सा मतलब बोझ ना बने हमारे ऊपर किचन के काम उसको आसान बनाने की उसको अच्छा बनाने की कोशिश कर सकें तो फिलहाल मैंने ना इसको बाहर टेबल पर रख दिया था क्योंकि जब चीज़ें आप ले आते हैं ना तो फिर उसको रखने की जगह भी बनानी पड़ती है अगर आपका घर छोटा है किचन छोटा है ना तो फिर उसको जगह भी बनानी पड़ती है रखने के लिए और ये जो फ्रूट बास्केट है ना ये तो मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना ग्रीन कलर की लीव के शेप में तो ये मैंने ले ली थी वैसे मेरे पास बहुत सारी फ्रूट बास्केट हैं लेकिन अगेन ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी तो ये भी मैंने ले ली थी और ये सारी शॉपिंग मैंने अपनी लोकल मार्केट से की है लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगी तो बहुत दिन से बस मैं ये सोच रही थी कि मुझे अपनी ये वाली जो सेटिंग है ना फ्लोर सीटिंग वाली ये सब हटानी है क्योंकि बस बहुत टाइम हो गया था रमज़ान में मैंने की थी और अब जब इतनी गर्मी है और हॉल में हमारे यहाँ ए भी नहीं है यहाँ पर तो यहाँ पे कोई बैठ के खाना नहीं खाता मतलब किसी की हिम्मत नहीं है कि बैठ के यहाँ पे खाना खा ले तो मैंने कहा चलो मैं इसको हटा देती हूँ डाइनिंग टेबल को भी ना उसके स्टैंड पे लगा देती हूँ और से भी जब थोड़े दिन हो जाते हैं ना मुझे घर की कोई भी सेटिंग किए हुए है ना तो फिर मुझे उलझन होने लगती है कि अब मैं इसको चेंज भी कर देती हूँ क्योंकि मतलब घर में नई नई चीजें तो आप बार बार ला नहीं सकते हैं। तो थोड़ी सी सेटिंग उधर उधर करके ही ना आप घर को एक नया लुक दे सकते हो खुद को अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने घर की सेटिंग चेंज करके बड़ी खुश हो जाती हूँ तो ये वाली सेटिंग मैंने कहा चलो मैं चेंज कर लेती हूँ लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है ना कि अकेले मतलब सारी चीज़ों को मैनेज करना उठाना रखना सेट करना और मतलब ये इतने बड़े बड़ी सी चीज़ें हैं तो इसमें बच्चों की हेल्प भी नहीं ले सकती मैं तो लेकिन खैर मेरी हेल्पर इतनी अच्छी है ना कि मुझे उससे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती जब मुझे कुछ भी काम करवाना होता है या करना होता है तो मैं अपना काम करना शुरू कर देती हूँ और वो अपना काम कर रही होती है और जब वो मुझे देखती है ना काम करते हुए तो वो फ़ौरन ही मेरे साथ आ जाती है मेरी हेल्प कराने के लिए मतलब ये उसका कोई काम नहीं है जो भी एक्स्ट्रा काम मैं कर रही हूँ या करवा रही हूँ तो ये उसका मतलब जो डेली का काम है वो तो नहीं है लेकिन फिर भी वो टाइम देती है मेरे साथ खुद काम करवाती है कि चलो बाजी ऐसे सेट कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं और मैं उसकी मतलब राय भी ले रही होती हूँ साथ साथ के मतलब ऐसे कर लें खाना बाजी इधर से हटा लें उधर से हटा लें ऐसे लगा लें तो वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है कि हाँ बाजी ऐसे लगा लो वैसे लगा लो तो ये जो एक समझने समझाने वाला रिश्ता होता है ना ये आपने खुद बनाना होता है अपनी हेल्पर के साथ मतलब ये मैं आप लोगों को मतलब एडवाइज नहीं करूंगी लेकिन हाँ बताऊंगी जरूर कि ये बन जाता है बहुत मुश्किल नहीं है ये वाला रिश्ता बनाना थोड़ी सी अहमियत आप अगर सामने वाले को देंगे ना तो उसके दिल में बहुत जगह हो जाएगी और इन लोगों के दिल तो वैसे ही मतलब इतनी सारी जगहों पे काम करती हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुद ही लगता है कि नहीं थोड़ी सी इज्जत थोड़ी सी मोहब्बत थोड़ा सा प्यार तो ये भी डिजर्व करती हैं ना और अगर आप इन्हें देंगे ना तो ये वापस भी देंगी आपको लेकिन थोड़ी सी इनकी परेशानी को भी समझना चाहिए अगर ये कभी कोई बात हमारी नहीं मान रही हैं या हमारा कोई काम नहीं करवा रही हैं ना तो फिर ये भी तो देखना चाहिए कि कितना काम है इन लोगों के पास कितनी मतलब Uh, सारा दिन काम करते हैं ये लोग फिर शाम को भी काम करते हैं मतलब मेरी जो हेल्पर है ना वो पता नहीं कितने घरों में काम करती है लेकिन फिर भी वो मुझे पूरा टाइम देती है और अगर मुझे कुछ भी काम एक्स्ट्रा करवाना हो तो कभी किसी काम की वो मेरी मना नहीं करती है तो ये बस थोड़ा सा एक रिश्ता होता है अपनी हेल्पर के साथ जो आपके घर में रोज आ रही है उसके साथ थोड़ा सा बना ले उसका थोड़ा सा ख्याल अपना नाश्ता बना रहे हैं तो साथ उसका भी नाश्ता बना के दे दें थोड़ा सा उसकी चीज़ों को लेने देने का उसके घर की परेशानी को समझने का तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे ना तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा और उसके दिल में भी बहुत जगह रहेगी आपके लिए बहुत इज्जत रहेगी आपके लिए और यही अगर आपका रिश्ता अगर अपनी काम वाली के साथ अपनी हेल्पर के साथ ना थोड़ा सा नोक झोंक वाला है ना तो आपको खुद भी उलझन होगी और उसको भी ये उलझन होगी कि बस मैं किसी तरह इनका काम छोड़ दूँ और आपको खुद भी उलझन होगी उसके साथ मतलब रोज उसको देख के रेडिएशन होगी तो ऐसा वाला रिश्ता आपका ना अपनी हेल्पर के साथ नहीं होना चाहिए कोशिश करें बनाने की बन जाता है मुझे भी पहले चीजें मुश्किल लगती थी लेकिन खैर जब आप चीजों को खुद आसान बनाने लगेंगे ना तो चीज़ें आसान बनती ही चली जाएंगी इनशाला तो बस आज मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें भी कर ली शॉपिंग भी शेयर कर दी तो अब बकरीद आने वाली है ना तो उसके लिए मैंने कहा चलो एक अच्छी सी रेसिपी ना आपके साथ मटन की शेयर करती हूँ जो आपने बकरीद तो जरूर बनानी हो अच्छा तो ही मैं सारे कामों से फ्री होगी ना लंच बनाने के लिए किचन में आई ना तो उससे पहले ही हस्बैंड को भी भूख लग गई और बच्चों को भी भूख लग गई तब कि ये लोग नाश्ता कर चुके थे और नाश्ते के बाद और सारे कामों से फ्री होके ना हेल्पर भी सारा काम करा के चली गई थी तो उसके बाद ही मैं लंच बनाने आई थी लेकिन खैर बच्चों को फिर से भूख लग गई तो उन्हें मैंने बना के दिया बनाना शेक और हस्बैंड को बना के दी लस्सी कामों के बीच में से एक और और एक और और एक और काम निकलना ना ये मुझे लगता है हर एक घर का ही हाल होता है तो बस अब सारे कामों से फ्री होके आज की रेसिपी बनाते हैं हम तो आज की रेसिपी है ना बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और आपने ये पे जरूर ट्राई करनी है इस बार तो मैं बना रही हूँ यूपी स्टाइल का मटन कढ़ाव का गोश्त तो ये वाली जो रेसिपी है ना बाकी जितने सालन आप बनाते हैं ना उससे बहुत डिफरेंट है तो चलिए देखते हैं क्या है सबसे पहले मैंने एक कुकर को ना गैस पे रख दिया था उसमें मैंने डाला था दो कप सरसों का तेल और इस रेसिपी के लिए आपको सरसों का तेल ही लेना है और कोई सा तेल नहीं लेना है मतलब फ्लेवर इसमें ही अच्छा आएगा तो कोई सा भी आप ले सकते हैं वैसे तो और उसमें डाली मैंने एक चम्मच हल्दी को ना पानी में घोल के उस ऑयल में डाल दिया था उसको जब हल्दी थोड़ी सी भून गई ना हमारी हल्दी का थोड़ा सा फ्लेवर कच्चा वाला निकल गया उसके बाद हमने जो मटन है और ये जो मटन है मैंने मिक्स लिया है इसलिए मैं आपको दिखा रही थी कि मतलब आपने मिक्स वाला मटन जो होता है ना थोड़ी सी चाँप हो उसमें थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त हो और थोड़ी सी बोटियाँ हो उस तरह का गोश्त आपने लेना है मिक्स वाला वो लेके आपने उसमें डाल देना है ऑयल में और उसको अच्छे से भूनना शुरू कर देना है और उसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट और अब इसको अच्छे से भूनना है थोड़ा सा हल्दी और लसन अदरक के साथ जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा ना उसके बाद आपने इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देने हैं तो हमने डाले हैं मैंने डाले थे चार चम्मच इसमें मतलब टी स्पून है ये चार टीस्पून मैंने धनिया डाला था और मिर्चें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं लेकिन थोड़ी सी मिर्चें तो जाएंगी ना इसमें क्योंकि इसमें हल्दी है तो कलर तभी आएगा जब थोड़ी सी मिर्चें आप इसमें ठीक ठाक रखेंगे और टेस्ट भी तभी आएगा और फिर नमक डाल के ना आपने इसको चला देना है बाकी इसमें कोई अभी एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे तो धनिया मिर्ची हल्दी नमक अभी तक यही गया है और हम इसको भून लेंगे थोड़ा सा जब थोड़ा सा ऑयल आने लगेगा तो उसमें मैंने चार गाड़ जो है मीडियम साइज़ की वो मैंने इसमें कट करके प्याज की डाल दी थी आप इसमें मसाला और ग्रेवी अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है मेरे घर में तो उसके हिसाब से मैंने प्याज डाली है और जितनी आप प्याज डालेंगे उसके हिसाब से फिर इसमें दही भी डलेगा तो अच्छा अब आ जाते हैं इसका जो एक सीक्रेट मसाला है ना वो बनाने की तरफ ये जो सीक्रेट मसाला है ना तो सारा इस रेसिपी का दारो ना इसी पर है तो ये मसाला जितना अच्छा आपका बनेगा ना उतना ही अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी तो इसके लिए हमने ले लिया है सबसे पहले तो छोटी इलायची तो अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें छोटी इलायची चाहिए मैंने मतलब आधा से पाँच किलो ये गोश्त लिया था मतलब मटन लिया था एक किलो था मेरे पास तो थोड़ा सा बचाया था मैंने तो उसमें मैंने लिए है पच्चीस से तीस छोटी इलायची ली थी उसके सारे दाने मैंने अलग कर लिए थे और ये जो है जायफल जायफल आपने फ्रेश लेना है अच्छा लेना है और इतना बड़ा टुकड़ा लेना है कि मतलब आधे आपके पोर के बराबर हो जाए आधे किलो गोश्त में इतना तो लेना ही है आपको और बाकी सारे मसाले भी मैंने आपको दिखा दिए एक चम्मच उसमें काली मिर्च थी एक चम्मच लौंग थी थोड़ा सा बिल्कुल जीरा था दो इंच का दालचीनी का टुकड़ा था उसमें और एक जाय जावित्री का फूल था और बड़ी इलायची के दाने थे चार बड़ी इलायची के दाने थे तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और ये वाली सारी चीज़ें आपको लेने लेकर ना अच्छे से पीस लेनी है मतलब बहुत ज़्यादा महीन पाउडर भी नहीं बनाना उसका और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और मसाले आप ध्यान रखें कि अच्छी क्वालिटी की आप चीज़ें लेंगे ना मसाले अगर आप अच्छी क्वालिटी के लेंगे मतलब इलायची आपकी फ़्रेश होगी ना अच्छी होगी तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी तो उसके बाद बस जब ये गोश्त भी गल गया था मैंने इसका प्रेशर जो है वो रिलीज़ कर दिया था खुद से क्योंकि मटन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो, तो उसके बाद बस मैंने इसमें दही डाल दिया था और ये हल्दी वाला सालन है ना इसमें क्योंकि हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको भुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑयल सेपरेट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और अब ये जो मसाला है ना दही डालने के बाद अब हमने इसको डालना शुरू कर देना है शुरू कर देना है मतलब कि सारा मसाला इसमें एक साथ नहीं जाता है इसमें आपने थोड़ा थोड़ा मसाला डालते रहना है और उसको चलाते रहना है और उसके बाद इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होता चला जाएगा और जैसे जैसे जो भुनता जाएगा ना सालन वैसे वैसे इसकी खुशबू आपके पूरे घर में ना बस उड़ने लगेगी ऐसी वाली ये रेसिपी बनती है और जैसे जैसे ये भुनता जाएगा तो ऑयल भी जो है सेपरेट होता जाएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा है ऐसे ही मसाला भुनने लगा था ना इधर मैंने पानी भी बॉईल करने के लिए लगा दिया था क्योंकि आपको ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है ना उसको एडजस्ट करने के लिए गर्म पानी ही डालना होता है और आप कोई भी ग्रेवी बनाएं तो उसको गर्म पानी से ही एडजस्ट किया करें क्योंकि मसाले मतलब तेल और मसाले सब अलग अलग भी नहीं होते और सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाती है एक साथ तो मसाला बिल्कुल भुन गया था मेरा और जो भी मेरे पास मसाला था मैंने सारा डाल दिया था धीरे धीरे करके एक साथ नहीं डाला था थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती गई थी और उसको भूनती गई थी जब सारा मसाला डल गया था तो तब मैंने इसमें पानी डाला था आपको जितना गाढ़ा रखना है पतला रखना है थोड़ी सी पतली ग्रेवी आपके यहाँ खाई जाती है तो हल्का सा पतला रख लिया लेकिन ये वाला सालन ना थोड़ा सा भुना भुना और लटपटा सा ही अच्छा लगता है मतलब लिपटा हुआ जो होता है ना तो वो वाला ही अच्छा लगता है और इसके बाद बस मैंने इसको थोड़ा सा मतलब पानी डालने के बाद और ढक्कन को बस ऐसे ही ऊपर से करके रख दिया था इधर मैंने तड़के की तैयारी कर ली थी और हाँ इसमें तड़का ज़रूर लगता है ये जो हमने इलायची के दाने अलग किए थे ना और इसके जितने भी छिलके थे वो हमने अलग कर लिए थे तो हमने देसी घी डालना है और देसी घी में ही ये तड़का लगाना है उसमें सारे इलायची के छिलके डालने हैं हमें और दो मुट्ठी करीब मैंने इसमें मखाने डाले थे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन मखानों का टेस्ट में बहुत अच्छा आ जाता है जब ये मखाने घी में भून जाते हैं ना और फिर ये सालन में जाएंगे तो इसका हर बाइट में टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है तो बस ये वाला तड़का हमने इसमें लगा दिया और हमारा जो ये सालन है मतलब एकदम ज़बरदस्त वाला मतलब कढ़ाओ का सालन और आप चाहें तो उसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा ना इसलिए मैंने प्रेशर कुकर में बनाया था तो बिल्कुल देग वाला जो सालन होता है ना वो वाला ये बना था इतना इसका कोई ज़बरदस्त टेस्ट था तो बस आप जब बनाएंगे ना तभी आपको पता लगेगा और आपको इस बकर पे ना इसको जरूर बनाना है अपनी दावत में तड़का लगाने के बाद थोड़ी देर इसको ढक के रखा मैंने और सारा रोगन जो है वो ऊपर आ गया था और अब इसको सर्व करने का टाइम आ गया और यकीन मानिए जब ये सालन भुन रहा था ना तो बच्चे बार बार आके मुझसे कह रहे थे कि अम्मा आप वो ही बना रही है ना येलो वाला सालन तो बच्चों ने इसका नाम यही रखा हुआ है और जो लोग यूपी के होंगे उन्होंने कढ़ाव का सालन खाया होगा बनाया होगा तो उन्हें तो पता ही होगा कि इसका टेस्ट क्या होता है तो अब क्यों किसी की शादियों का इंतजार करना कि हम वहां जाएंगे तो कड़ाऊ का सालन खाएंगे शादी में तो अपने घर में बनाइए इतना जबरदस्त ये सालन बनता है ना तो हम लोगों ने इसको खाया था नान के साथ और बच्चों के लिए बना रही थी मैं हाथ की रोटी साथ साथ मैंने तवा भी रख दिया है तो इतनी मजे की ये रेसिपी है ना आपने बकरी पर तो जरूर ट्राई करनी है तो बस यहीं तक था आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अब मुलाकात होगी एक और अच्छे से ब्लॉग में तब तक अल्लाह हाफिज़